तो ये देखो एक बेसिक इजी प्रॉब्लम है इसको हम लोग ट्राई करते हैं देखो कहते हैं आर्टिफिशियल सेटेलाइट लॉन्च इनटू सर्कुलर आर्बिट ये आर्टिफिशियल सेटलाइट है और ये सर्कुलर आर्बिट में यहाँ से लॉन्च हुआ है अराउंड द अर्थ मूव वेलोसिटी भी रिलेटिव टू रिफरेंस फ्रेम मूविंग ट्रांसलेटरी फिक्स टू द अर्थ सरफेस मतलब अब मैं अर्थ के सरफेस से अगर देखता हूँ अर्थ पे चढ़ के देखता हूँ तो यहाँ पर जो इसकी लीनियर वेलोसिटी ट्रांसलेटरी वेलोसिटी है वो अपनी यह कह रहे हैं कि वी है तो ये बात अब सबको क्लियर हो रहा होगा रिलेटेड इफ द अर्थ रेडियस अर्थ ये जो अर्थ है अर्थ की रेडियस अगर मैं अर्थ की रेडियस आर ले लूँ बात समझ में आ रहा और अर्थ के एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे हो तो ये जो हाइट है अर्थ के सरफेस से देखो ये वाली जो हाइट है ये कितनी हो जाएगी ये वाली जो हाइट है दिस हाइट तो ये आर प्लस एच हो जाएगी दिस हाइट इज टोटल आर प्लस एच लेकिन ये वाली हाइट एच हो जाएगी अर्थ के सरफेस से दिस हाइट इज बेसिकली एच तो ये हाइट एच की हमें कैलकुलेशन करनी है तो अगर इस हाइट की कैलकुलेशन करनी है तो सिंपल सी बात है अगर तुम देखोगे इसको अच्छे से तो अच्छे से देखोगे तो अगर ये सेटेलाइट मूव कर रहा है तो सेंटिपिटल फोर्स इधर लग रहा होगा बात आ रहा है समझ में जो सेंटिपिटल फोर्स है उतना ही इस पर भी इधर लग रहा होगा क्लियर है तो ये जो ये फोर्स इस फोर्स की वैल्यू कितनी है उसको मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ तो इस फोर्स की वैल्यू जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है इनके बीच जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वही सेंटिपिटल फोर्स दे रहा होगा तो इसका मतलब ये हुआ जी मास ऑफ दर्थ और यहाँ मास ऑफ दाइट ओवर अर्थ के सेंटर से इक्वल तुम देखोगे तो यहाँ आर प्लस एच का होल स्क्वायर ये वाला चीज बराबर होगा मास ऑफ द सेटलाइट बी स्क्वायर सेंटीमीटर फुट एम बी स्क्वायर तो ये आ जाएगा आर प्लस एच ये वाला तो मास ऑफ सेटेलाइट यहाँ से कैंसिल हो रहा है और जब मास ऑफ टाइट यहाँ से, से कैंसिल हो रहा है तो अगर मैं इसको देखूंगा एक आर प्लस एक आर एच इधर बचा जी एम और इधर बचा इधर नीचे बचा भी स्क्वायर इधर बचा आर प्लस एच सिंस हमें एच चाहिए था तो इसका मतलब जी एम की वैल्यू में जी आर स्क्वायर लिख सकता हूँ और यहाँ से भी स्क्वायर और माइनस यहाँ से आर और दिस इज बेसिकली द हाइट एच तो ग्राउंड के सरफेस से अगर देखोगे अब यहाँ से और सुंदर तरीके से इसको लिख सकते हो तो यहाँ से एच की वैल्यू कॉमन ले लोगे तो आर यहाँ से ले लोगे तो जी जी आर बाई वी स्क्वायर माइनस वन यहाँ से कॉमन ले लोगे तो बेसिकली अगर आप बात करोगे तो ये पूरी की पूरी ये वाली जो पूरी टर्म है दैट इज बेसिकली हाइट ऑफ द सेटेलाइट तो आई होप कि आपको बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा तो आप अपना बहुत ख्याल रखो मोटिवेटेड रहो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो